नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये नीचे आपको इक्वेशंस दी गई है, इनको हमें सोल्व करना है। तो आप इनको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मैं इनको ट्रांसपोजिंग मेथड से सोल्व करूंगा, ठीक है। तो चलो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो, ए पोर्शन में आपको दिया गया है 15 - 2y = -7y। देखो, सबसे पहले मैं इस -2y को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। माइनस का है, राइट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 15 = -7y + 2y। अब देखो स्टूडेंट, ये माइनस का 7y है और ये प्लस का 2y है, कितना बचेगा? माइनस का 5y। तो 15 = -5y। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो माइनस 5 है, इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो y = आपके पास आएगा 15 / -5। अब 5 से 15 कट जाएगा आपका 3 टाइम, तो मेरे पास y = आ जाएगा -3। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। देखो, बी पोर्शन में दिया है 5x + 5 = 3x + 1। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ये 3 इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5x + 5 = 3 × x, 3x हो जाएगा। 3 × 1 आपका 3 हो जाएगा। अब मैं इस साइड से इस 3x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं, 5 को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा 5x, 3x लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और 5 इस साइड आएगा, ये भी आपका माइनस का बन जाएगा। ओके, अब देखो 5x में 3x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और प्लस 3 में -3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। हमें x फाइंड करना है, तो इस 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो x के इक्वल में आएगा -2/2। 2 से 2 वन टाइम कैंसिल, x = आ गया -1। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए, सी पोर्शन में दिया गया है 1/3 × 9x + 3 = x + 1। देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 1/3 है ना, वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। 1/3 राइट साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स 9x + 3 = x + 1। जब ये इस साइड आएगा ना, तो ये बन जाएगा 3/1, ठीक है। अब 3/1 का मतलब 3 होता है, तो 3 मान। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 9x + 3 = 3 × x, 3x हो जाएगा, 1 × 3 आपका 3। अब इस 3x को आप लेफ्ट साइड में ले आओ और इसको आप राइट साइड में ले आओ, ठीक है ना। तो 9x ये इस साइड आएगा तो माइनस का 3x = 3, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 3। अब 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6x बचेगा, और 3 - 3 आपका 0। x फाइंड करना है तो 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x के इक्वल 0/6। 0/6 आपका 0 होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका सी पोर्शन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट डी पोर्शन को लेता हूं, ठीक है। देखो, डी पोर्शन में आपको दिया गया है 2a + 5/3 = 26/3 - a। देखो, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ये जो माइनस का a है ना, इसको तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा। फिर ये 5/3 है ना, इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। माइनस का a लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का a बन जाएगा, तो आपके पास आएगा 2a + a = 26/3,
5 बाई थ्री राइट साइड में आएगा तो ये भी आपका माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 2a प्लस ए ये तो हो गया 3a, और इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम इजी है, सेम है, 3 आ जाएगा तो ऊपर वाला नंबर कॉपी कर दो, 26 माइनस 5, तो 3a इज इक्वल टू 26 में 5 माइनस कर दो 21 अपॉन 3, 3 से 21 कट गया आपका 7 टाइम, 3a इज इक्वल टू आ गया 7। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन 3, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। देखो डी पोर्शन में, सॉरी ई पोर्शन में क्या दिया है, 4.3a प्लस 7.5 इज इक्वल टू 5.8a। देखो एक मेथड तो क्या है, मैं इसको डायरेक्ट इस साइड शिफ्ट कर दू या फिर इनका डेसिमल रिमूव कर दो, तो मैं इसका डेसिमल रिमूव कर देता हूं। देखो ये जो डेसिमल है ना वो एक प्लेस के बाद लगा है, तो जब मैं इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 43 अपॉन 10 इंटू ए। ऐसे ये डेसिमल एक प्लेस के बाद लगा है तो इसको रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू, इसको भी रिमूव करेंगे तो 58a अपॉन 10। ठीक है, अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम सेम है, कितना आ जाएगा 10, तो ऊपर वाला नंबर है कॉपी कर दो, सेम एलसीएम होता है तो 43a प्लस 75 इज इक्वल टू 58a अपॉन 10, 10 से 10 आपका कैच है। मेरे पास क्या आ गया 43a प्लस 75 इज इक्वल टू 58a। ओके, अब मैं क्या करता हूं 43a को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो आपके पास आएगा 75 इज इक्वल टू 58a माइनस का हो जाएगा ये 43a, 58 में 43 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, तो 75 इज इक्वल टू कितना आ गया 15a। हमें a फाइंड करना है तो ये 15 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 75 अपॉन 15 कितने टाइम कट जाएगा 5 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है जी, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं f। देखिए f में दिया गया है x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 5। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो माइनस का 2x अपॉन 5 है ना इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा, माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x अपॉन 5 ये इस साइड आएगा तो प्लस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 5, तो ऊपर वाला कॉपी कर दो, x प्लस 2x इज इक्वल टू 9, x और 2x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और अपॉन में आपका 5 इज इक्वल टू 9। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो ये जो 3 अपॉन 5 है ना मल्टीप्लाई में है, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू आएगा 9 इंटू ये राइट साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मींस 5 अपॉन 3 बन जाएगा, और 3 से आपका 9 कट गया कितने टाइम 3 टाइम, x इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 5 आपका 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया गया है माइनस 2 इंटू ए माइनस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 0.5a। अब देखो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहां मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो माइनस टू है वो इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस टू इंटू ए ये हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस टू इंटू माइनस 5 प्लस का 10,
इज इक्वल टू, ऐसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 6 इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 6 इंटू 2 ये तो हो जाएगा 12। अब 6 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, 6 इंटू, एक बार पॉइंट को छोड़ दो, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30। अब ये डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद है, तो आप राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा दो। तो जब आप 6 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 3। माइनस है तो -3a। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो मैं -3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं, ठीक है, और इस 10 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं। ओके, अब ये -3a राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a और प्लस का 3a इज इक्वल टू 12। अब ये 10 प्लस का है राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10। अब माइनस का 2a प्लस का 3a तो प्लस का a बच जाएगा। अब ये प्लस का 12 और माइनस का 10 तो कितना बचेगा, 2। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में दिया है 5 इंटू डब्ल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू -2 इंटू 1.5 डब्ल्यू प्लस 5। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू डब्ल्यू 5w, 5 इंटू -2 माइनस का 10 इज इक्वल टू, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू 1.5। देखो 2 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.0। माइनस का 3w -2 इंटू प्लस 5 माइनस का 10, ठीक है। अब मैं इस -3w को तो लेता हूं लेफ्ट साइड में और -10 को लेके आता हूं राइट साइड में, ठीक है। ये माइनस का लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5w प्लस 3w इज इक्वल टू, ये माइनस का 10 है ये इस साइड आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। इसको ऐड कर दो, 5 और 3 8w इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस आपका 0 हो गया। हमें w की वैल्यू चाहिए तो ये 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो w इज इक्वल टू 0/8। 0/8 क्या होता है आपका, 0। तो यहां से w की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में आपको दिया गया है m by 2 -1/5 इज इक्वल टू m/3 +1/4। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस m by 3 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा और -1/5 को राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, तो जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, m by 2 -m/3 इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1/4, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 6। 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू एम आपका 3m हो जाएगा, फिर माइनस 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू एम 2m इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 20। अब 20 में 5 का डिवाइड कर दो कितने टाइम, 4 टाइम, तो 4 आ जाएगा, फिर प्लस 20 में 4 का डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 1 5। अब इसको सोल्व करते हैं, 3m में 2m माइनस करेंगे तो प्लस का m बचेगा अपॉन में 6 इज इक्वल टू 4 + 5 9/2। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 6 डिवाइड में है इस साइड लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू आएगा 9/20 × 6। अब देखो स्टूडेंट, 6 है ना, 2 से कट जाएगा 3 टाइम और 20 कट जाएगा 10 टाइम, तो हमारे पास आएगा m इज इक्वल टू 9 × 3 27/10। ये m की वैल्यू आ गई, आप चाहो तो 10 का डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 2.7,
तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट इसका डी पोर्शन लेता हूं। देखो डी पोर्शन में क्या दिया है, डी पोर्शन में हमें दिया गया है x बाई टू माइनस, मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस वन बाई फोर को x के साथ करेंगे तो माइनस का x बाई फोर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन फोर इंटू टू एट इज इक्वल टू एक्स बाई एट प्लस वन बाई ट्वेल्व। ओके, अब क्या करना है, वन बाई एट को तो राइट साइड में ले आओ, एक्स बाई टू को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो आपके पास आएगा एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई फोर, ये साइड आएगा तो माइनस का एक्स बाई एट इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा वन बाई एट, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, टू फोर एट का एलसीएम एट आ जाएगा। अब एट में टू का डिवाइड कर दो फोर टाइम, फोर इंटू एक्स फोर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एट में फोर का डिवाइड टू टाइम, टू इंटू एक्स टू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एट में एट का डिवाइड वन टाइम, वन इंटू एक्स एक्स। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, देखो 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 24, ठीक है। 24 में 12 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 1 आपका 2, माइनस 24 में 8 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू 1 आपका 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको करेंगे, ये माइनस का 2x, ये माइनस का x, माइनस का 3x हो गया और ये है प्लस का 4x, तो ऊपर कितना बचेगा, प्लस का 1x अपॉन 8 इज इक्वल टू ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3, माइनस का 1 बचेगा और अपॉन में 24। अब देखो डायरेक्ट आप 8 से 24 को काट सकते 3 टाइम, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर क्वेश्चन। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं e। देखो e में आपको दिया है 1 माइनस ए माइनस टू माइनस बिग ब्रेकेट ए माइनस थ्री माइनस ए माइनस वन और बिग ब्रेकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। देखो सबसे पहले तो हम ब्रेकेट को ओपन करेंगे, ब्रेकेट में भी कौन सा ब्रेकेट ओपन करते हैं, स्मॉल ब्रेकेट, तो इसको ओपन कर दो, 1 माइनस ए ये माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और साथ में मैं इसके अंदर वाले ब्रेकेट को भी सोल्व कर देता हूं, इस ब्रेकेट को ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा a माइनस थ्री, और इस ब्रेकेट को ओपन करेंगे थोड़ा ध्यान देना है, ये माइनस इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का a आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 और इज इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, अब ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 तो प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का a, और माइनस ये माइनस का 3 ये प्लस का 1 अंदर बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को आप कर दो ओपन, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 3 और ये भी प्लस का 2 ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और माइनस ए इज इक्वल टू 0। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस माइनस a को राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो चलो इसका a पोर्शन लेते हैं। a पोर्शन में हमें दिया गया है 6x माइनस 16 अपॉन 2x इज इक्वल टू 1। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो 2x डिवाइड में है इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, तो जब डिवाइड की चीज राइट साइड में शिफ्ट होगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2x है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आएगा 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 2x, क्लियर क्वेश्चन। अब मैं इस 2x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा और 16 को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, 2x प्लस का है लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, हमारे पास आएगा 6x माइनस 2x
इज इक्वल टू, ये 16 माइनस का है, राइट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? अब 6x में 2x माइनस कर दो, यह बचेगा प्लस का 4x इज इक्वल टू 16। हमें x फाइंड करना है तो ये 4 16 के डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया है 5m अपॉन 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इसको भी हम a के जैसे ही करेंगे। ये डिवाइड में है, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5m इज इक्वल टू 2 इंटू 2m माइनस 1। अब इस 2 को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करा दो, हमारे पास आएगा 5m इज इक्वल टू 2 इंटू 2m 4m, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2। अब मैं इस 4m को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा, प्लस का है लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5m माइनस 4m इज इक्वल टू माइनस 2। अब 5m में 4m माइनस करेंगे तो m बच जाएगा प्लस का, और इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे सी पोर्शन को करेंगे। सी पोर्शन में दिया गया है 4x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x माइनस 3। ओके स्टूडेंट, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9। ओके, अब एक काम करो, 4x को तो आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो और 9 को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक है ना? तो 4x से आपका राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपके पास आएगा 6x माइनस 4x, ये इस साइड आएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी कि 9 प्लस 5। आप 6 में 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, और 9 और 5 14, हमें x फाइंड करना है तो 2 14 के डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 से 14 कट गया 7 टाइम, x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है ना? ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब इसको आप नोट करें। अब मैं इसका नेक्स्ट डी पोर्शन लेता हूं। देखो डी पोर्शन में क्या दिया है, इसमें हमें दिया गया है बिग ब्रैकेट 5 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू 1 प्लस वाई, बिग ब्रैकेट बंद, और अपॉन में 1 माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 8। सबसे पहले मैं ये जो डिवाइड में दिया गया ना, इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साथ में इनको मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं। देखो 5 को 1 के साथ करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 को माइनस वाई के साथ करेंगे तो माइनस का 5y, फिर प्लस 3 को 1 के साथ करूंगा तो 3, 3 को y के साथ करूंगा तो प्लस का 3y इज इक्वल टू 8 इंटू, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस 2y। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर लो। देखो 5 प्लस का और 3 प्लस का, 5 और 3 कितना हो गया 8, ये माइनस का 5y, ये प्लस का 3y, कितना बचेगा माइनस का 2y इज इक्वल टू, अब 8 आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, और 8 इंटू माइनस 2y माइनस का 16y। क्लियर है? अब एक काम करो, 8 को आप शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में, 2y को कर दो राइट साइड में, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो प्लस का 2y माइनस का 16y। 8 माइनस 8 0, और माइनस 16 में 2y आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 14y बचेगा। हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो इस माइनस 14 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 0 अपॉन माइनस 14 दैट इज 0। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट इसका e पोर्शन लेते हैं। देखो e पोर्शन में आपको दिया गया है 6x प्लस 4
अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री। अब देखो इस इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करूंगा। क्रॉस कैसे होता है, इस कंप्लीट को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि थ्री इंटू सिक्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू इसको इसके साथ करेंगे माइनस का फोर इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, थ्री इंटू सिक्स ये हो जाएगा एटीन एक्स, थ्री इंटू फोर प्लस का ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू एक्स माइनस का फोर एक्स माइनस फोर इंटू टू माइनस का एट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, माइनस फोर एक्स को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, ट्वेल्व को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, ये माइनस का फोर एक्स है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, एटीन एक्स प्लस का फोर एक्स इज इक्वल टू ये इस साइड आएगा तो माइनस का ट्वेल्व और माइनस का एट। क्लियर, 18 और 4 क्या हो गया 22x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का 20। x फाइंड करना है तो 22 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 22। अब दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 से कट जाएगा 10 टाइम और ये कट जाएगा 11 टाइम, यानी कि माइनस 10 अपॉन 11 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट पोर्शन में दिया गया है 0.5x प्लस 4 अपॉन 1.2x प्लस 8 माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, मैं जब माइनस 5 अपॉन 7 को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 5 अपॉन 7। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इस कंप्लीट के साथ कर दो, 7 इंटू 0.5x और प्लस 4 इज इक्वल टू इसको इसके साथ कर दो 5 इंटू 1.2x प्लस 8। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 0.5 के साथ करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3.5x, फिर 7 को 4 के साथ करेंगे तो 28 इज इक्वल टू 5 को 1.2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू में x है तो x प्लस 5 8 जा 40। ठीक है, अब एक काम करो, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो और इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 6x माइनस 3.5x इज इक्वल टू 28 में ये इस साइड आएगा तो माइनस का 40। ठीक है, अब 6 में 3.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5x इज इक्वल टू 28 में माइनस 40 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 12। अब आपको x फाइंड करना है तो 2.5 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 2.5। अब देखो स्टूडेंट, इसका जब मैं डेसिमल रिमूव करता हूं तो 10 इसके डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड में आएगा तो ऊपर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 तो कट गया 5 से 2 टाइम और ये कट गया आपका 5 टाइम, तो मेरे पास x इज इक्वल टू आ गया 12 इंटू 2 माइनस का 24 और अपॉन में 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।